मौजूद शानदार चौक के मकाम पर यहाँ पर रोड सेफ्टी के वाले से पंपलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमारे साथ डीएसपी मौजूद है, आइए इनसे जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आज का जो इवेंट प्रोग्राम हमजा वेलफेयर सोसाइटी और ट्रैफिक के जेर तमाम हो रहा है, ये रोड सेफ्टी पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये किसके? हम बेग साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ट्रैफिक पुलिस के लिए छतरियाँ जो हमें प्रोवाइड की, क्योंकि धूप में खड़े होते हैं सारा दिन, कड़क धूप में ड्यूटी करते हैं, बड़ी जानफशानी से इन्होंने एहसास करते हुए छतरियाँ दी और पानी की बोतलें दी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके, बेग साहब के। कुछ अर्सा पहले इनके बेटे की हादसा में डेथ हो गई थी, उसके बाद इन्होंने ये फलाई काम शुरू कर दिया, उससे पहले भी करते थे लेकिन आजकल इनका लगाव और झुकाव सारा इसी के लिए, इसी के लिए ये टाइम सारा दिन करते फलाई कामों में। अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को कि तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग ना करें और पंपलेट तकसीम कर रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं और इन्हें लेक्चर दिए जाते हैं, लारी अड्डों पर लेक्चर दिए जाते हैं, चौराहों में लेक्चर दिए जाते हैं। हमजा बेग वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है और जानने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो सबसे हमारा हमजा बेग वेलफेयर सोसाइटी का बुनियादी मकसद है वो रोड सेफ्टी है, कि ये मसला दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है और ये इतना तकलीफ दे है कि आपका एक घर का फर्द, शोर भाई बेटा खैर खैरियत से जाता है और वापस उसकी इतला अच्छी नहीं आती है और दिन ब दिन ये हादसा बढ़ते जा रहे हैं और हमारे बच्चों को हमें समझाने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या अहमियत है, कि अगर खुदा ना खास्ता आप चले जाते हैं तो आपके आपसे जुड़े जो रिश्ते हैं वो जो हैं वो जिंदा दरगोर हो जाते हैं। डीएसपी ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा, उन्होंने कहा कि अवाम को भी कानून की पासदारी करनी चाहिए। इस मौके पर प्रेसिडेंट हमजा वेलफेयर सोसाइटी का कहना है कि अपने आप को सेफ करना चाहिए। कैमरामैन अब्दुल्ला जट के साथ मिर्जा अब्दुल जब्बार, झेलम, न्यूज़ दाना।